ये गाना बंद करने का मन नहीं हो रहा है, एक और अंतरा गाती हूँ तुम्हारे लिए। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, नजर होंगे मैं भी, तो कहीं भी जा रहेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया। कुछ पल का छाकर ढल जाना है, पर छाइयां रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। वहाँ जिस्म बहुत कीमती होते हैं, जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती वहाँ इज्जत की बोली सबसे ऊंची लगती है। जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती वहाँ बिनते हवा सरे बाजार तबले की थाप पर नाचती है, और जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती वहाँ भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। यहाँ हवस के पुजारी स्याह रातों में सफेद जिस्मों का जीवन स्याह करते हैं, यहाँ पे नाचते पैरों की थाप बिकती है, यहाँ पे जागती आंखों के ख्वाब बिकते हैं, यहाँ पे फूल से होंठों की प्यास बिकती है, यहाँ पे जिस्म है बिकते शबाब बिकते। आली वकार भूख दो वक्त की रोटी के एवज बिनते हवा को इब्ने आदम की हवस का निशाना बनने पर मजबूर कर देती है, लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती। 14 साला बीरा अपनी असमत लुटाने के बाद जान से भी हाथ धो बैठती है, लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती। थर की जलती रेत पर नंगे पांव चलने वाली कौम का सदर इस्लामाबाद की सड़कों पर मर्सिडीज में सफर करता है, लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती। बलोचिस्तान की खुश्क साली पर एयर कंडीशन कमरों में मिनरल वाटर पी कर गौर किया जाता है, लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती। ये शाहराहें इसी वास्ते बनी थीं क्या कि इन पर देश की जनता सिसक सिसक कर मरे, जमीने क्या इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ल आदम और हवा बिलक बिलक कर मरे, मिले इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसे, चमन को इसीलिए माली ने खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसे। आली वकार, यह है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जहां हर कोई अपनी धुन में मगन है, सर खुजाने की फुर्सत नहीं, दाएं बाएं की फिक्र नहीं, हर शख्स भूखा है। कोई इक्तदार का तालिब है तो कोई शोहरत का भूखा, कोई दौलत का परस्तार है तो कोई पेट का भूखा, कोई भांग के एक प्याले के एवज अपना सब कुछ निछावर करने पर आमादा तो कोई ताकत का भूखा। कहतुर रजाल बढ़ता चला जा रहा है, तहजीब और तमद्दुन के पैमाने टूट फूट का शिकार होकर वक्त की नाकदरी का गिला कर रहे हैं। हम जवाल की आखिरी हदों के भी आखिर पर पहुंच चुके हैं। इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे सिसक कर दम तोड़ रहे हैं। हर तरफ से एक ही पुकार सुनाई देती है, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। आली वकार, सुनिए अगर आप सुन सकते हैं कि जब बूढ़े प्रोफेसर को 6 माह तक पेंशन ना मिली तो अपनी कन पट्टी पर पिस्तौल रखकर बोला था, मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान है। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं जब तस्नीम सोलंकी भूखे कुत्तों का नवाले तर बनी तो बोली, पड़े हैं गुम कटहरे अदालतें चुप हैं। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं जब मजदूर शाम को खाली हाथ घर लौटा तो अपने बच्चों से नजरें चुराते हुए बोला, है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं कि वजीर आजम की खुली कचहरी में खुदसोजी करने वाला शख्स बोला था, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं जब जागीरदार के दस्तगीर गरीब हारी की बेटी को उठाकर लेके गए थे तो वो बोला था, आवाज दो इंसाफ को, इंसाफ कहाँ है। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं कि डमाडोला के बेगौरो कफन लाशें चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, नवीद दो इंसान को कि इंसान मर गया। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आज भी सरापा सवाल है, जिम्मेदार कौन। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं लाल मस्जिद के शोहदा कह रहे हैं, पाक फौज तू जिंदाबाद। और सुनिए अगर आप सुन सकते हैं जब बेरोजगार बाप ने अपनी 3 जवान बेटियों को मौत के घाट उतारा था तो बोला था, अजब रस्म है चारागरों की महफिल में लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। आली वकार, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। गुर्बत से मजबूर लोग अपने बच्चे भूनकर खा जाते हैं, अपने गुर्दे और आंखें बेच डालते हैं, अपनी 8 साला बच्चियां दलालों के हवाले कर देते हैं, अपने खानदान के साथ आग में कूद जाते हैं, दरियाओं समंदरों में छलांगे लगा देते हैं, पंखों के साथ लटक जाते हैं, ट्रेन की पटरी के आगे लेट जाते हैं। गुर्बत, जुल्म और महंगाई से मजबूर लोग अपने मासूम बच्चों के गले काट देते हैं। आली वकार, सदारत, विजारत और इमारत के भूखे तहजीबी अकदार को पामाल कर देते हैं। कभी तो चंद खोटे सिक्कों के बस कौम की बेटियों को बेच डालते हैं, तो कभी मसाजिद का तकद्दुस पामाल करते हुए ने लहू रंग करते हैं, और कभी अपनी ही आवाम से कहते हैं, मैं तुम्हें वहां से निशाना बनाऊंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब लोग ये कहते हैं खुदा देख रहा है, मैं सोचने लगता हूँ क्या देख रहा है। आली वकार, इससे पहले कि भूख इस मुल्क को खा जाए, इससे पहले कि लहजे बेआवाज हो जाएं, सुर संगीत सब बेसाज हो जाए, मिल्लत इस्लामिया की ये बेटी, मुल्क और कौम की बेटी और आपकी बेटी आपसे इस्तदा करती है, खुदारा खुदारा उस बूढ़े बाप का सहारा बन जाइए जिसके बेटे ने खुदसोजी की, खुदारा उस औरत के आंसू पोंछ डालिए जिसकी बेटी जागीरदार की हवस का निशाना बनी, और खुदारा उन मासूम बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखिए जिनका बाप पुलिस मुकाबले में मारा गया। इन अशार के साथ ही मौजूद जेरे बहस समेटती हूँ। सितम जरीफी वक्त ने कलियों की नजाकत को, दिलों की मोहब्बत को इस तरह से मसला है, इस तरह से कुचला है कि जिंदगी अजियत है और सांस की भी कीमत है। किसका हाथ है जो खून से रंगा नहीं, किसका गिरेवां है जो गिरफ्त से बचा नहीं। सदाए मौत आती है शहर भर की गलियों से, खून की बू आती है फूलों और कलियों से। शुक्रिया। अपने बच्चों को ये मत सिखाओ, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो कचरा उठाने वाले जैसे बन जाओगे, बल्कि उसको ये बताओ अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो इन जैसे बिचारों की मदद कौन करेगा। और कैंची ना बनो जो एक को दो कर दें, बल्कि सुई बनो जो दो को एक कर दें। कभी भी किसी को तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखो, क्योंकि जो तोड़ते हैं उनकी हवेलियां भी वीरान रहती हैं और जो जोड़ते हैं उनकी कब्रें भी आबाद रहती हैं। इंशाल्लाह।